नमस्कार, मैं प्रतिभा पटेल। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। कोरोना को लेकर लोगों में डर बना है। जो लोग कोरोना के डर से ई रिक्शा में बैठने से डरते थे और जिनकी वजह से ई रिक्शा चालक की कमाई नहीं हो पाती थी, उनके इस दिक्कत को देखते हुए बाबा ऑटो सेल ई रिक्शा के ऑनर रंजीत सिंह ने किया एंटी कोरोना ई रिक्शा का लॉन्च। इन्होंने इस ई रिक्शे को इस तरीके से बनाया है जिससे इसमें चार यात्री बिना कोरोना के डर से बैठ सकते हैं और ड्राइवर भी चारों यात्रियों से अलग रहेगा। इन्होंने ई रिक्शा के बीच एक ऐसा पर्दा लगाया है जिससे चारों यात्री एक दूसरे को देख तो सकते हैं, मगर किसी भी प्रकार से उनके शरीर की कोई भी चीज एक दूसरे को छू भी नहीं सकती, वो चाहे उनके शरीर से छू के हवा ही क्यों ना हो। यात्रियों के लिए गाड़ियों में सैनिटाइजर उपलब्ध रहेगा। बाबा ऑटो से इसके प्रोप्राइटर रंजीत सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए गाड़ियों में ट्रांसपेरेंट पर्दे लगाए गए हैं और सभी यात्रियों से अपील है, बिना मास्क यात्रा ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, इसलिए प्रशासन की बातों का अमल करें और सुरक्षित रहें। अयोध्या से हमारे संवाददाता तुफैल अहमद की रिपोर्ट। कोविड के समय इस समय में हमारी कंपनी द्वारा एक नई व्यवस्था लागू की गई गाड़ी में। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हमारी कंपनी द्वारा इसमें एक जो है पर्दा लगाया जा रहा है, जिससे सवारियों को बैठने में और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में काफ़ी हद तक उसमें व्यवस्था मिल रही है। एक दूसरे से शरीर एक दूसरे से जो है टच नहीं होगा और वायरस का कोई ऐसा खतरा नहीं होगा कि एक दूसरे में कम्युनिटी ट्रांसफर। हाँ, जब हम लोग गाड़ी कस्टमर को देते हैं तो उनको सैनिटाइजर भी देते हैं और मास्क भी देते हैं और उनको पूरे कोविड के सारे जो भी नियम हैं या सुरक्षा के जो भी उपाय हैं वो सारे उनको बताए जाते हैं कि किस तरह आपको इसका पालन करना है और कैसे जो है आपको और भी लोगों से अपने आप को बचाव करना है। और साथ में ग्लव्स का इस्तेमाल भी करते रहिए, जिससे किसी से पैसे भी लेने हैं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करिए। ये सारी चीज़ें उनको बाकायदा यहाँ पे समझा के तभी जो है गाड़ी की डिलीवरी हमारे यहाँ से की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक तो सेफ्टी इसमें है, सेफ्टी ये है कि एक दूसरे से भी आपने देखा होगा कि बीच में टच होने का कोई सवाल नहीं उठता और काफ़ी हद तक एक दूसरे में गैप रहता है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी हद तक मेंटेन रहती है। जहाँ तक इस रिक्शे में की व्यवस्था है या जो इसकी जगह है उस व्यवस्था और जगह को देखते हुए वो काफ़ी हद तक मेंटेन है। सोशल डिस्टेंसिंग का पॉइंट काफ़ी हद तक मेंटेन है और सैनिटाइजर और मास्क और ग्लव्स ये ऑलरेडी हम लोग ड्राइवर को देते हैं या वाहन चालक को जो भी गाड़ी लेते हैं, जिससे वो पूरी सुरक्षा का पूरा ध्यान दें और कोविड के नियमों का पालन करें। हम लोगों ने ये समझाया है कि अगर आप किसी पैसेंजर को बैठाते हैं पहले तो आप ड्राइवर के लिए है कि खुद वो सब कुछ मास्क लगाए, ग्लव्स लगाए, उसके बाद सैनिटाइजर रखे और उसके बाद जो भी वो पैसेंजर बैठाता है उसको जो है बिना मास्क के उसको जो है इस पर बैठने ना दे और उसके बाद जब भी वो पैसे लेता है पहले वो जो है उससे पैसे ले फिर हाथ को सैनिटाइज भी करें। लेकिन अनिवार्य है बिना ग्लव्स लगाए जो है वाहन चालक को हम लोग जो है गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल ही मना करते हैं। कोई कम्युनिटी ट्रांसफर भी ना होने पाए जिससे जो है कोविड का खतरा बढ़े। माध्यम से हम ये कहेंगे कि अब जो समय हो गया है काफ़ी वो भयंकर हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं रोजाना 2-3 दिनों से 10,000 की संख्या प्रतिदिन आ रही है। तो अब ये सरकार या मतलब पुलिस या जो भी व्यवस्था है गवर्नमेंट की वो एक एक व्यक्ति पे लागू नहीं सकती। आज सबसे बड़ी सुरक्षा हमारी खुद की है। अगर हम खुद से सुरक्षित हैं, खुद से हमने अपने आप को कोरोना को गंभीरता से सीरियसली लिया तभी कुछ हो पाएगा। अगर हमने आज आप देखिए मार्केट में लोग गंभीरता को काफ़ी भूल गए हैं, कोरोना से काफ़ी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना कुछ है ही नहीं है, लेकिन ये गलत है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको खुद से समझना है, खुद को समझना है कि हमको कोरोना जो है ये ना किसी धर्म ना जाति ना ऊंचे ना नीच ना बड़े ना छोटे का कोई भेद नहीं देखती। ये ऐसी चीज़ है कि किसी को भी लग सकती है और आपने देखा होगा बड़े से बड़े कंट्री में बड़े से बड़े जो देश हैं उनके प्रधानमंत्रियों को भी कोरोना हो चुका है। तो इससे हमको खुद उनसे एग्जाम्पल लेके खुद से हमें सुरक्षित रहना है और सबसे बड़ी बात है खुद की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा। रंजीत कुमार सिंह, बाबा ऑटो सेल से हैं।